वेलकम टू हरिदी स्टडी हब। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे हमने जो है सर्च ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करना है थ्रू ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स। तो इसमें हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो करेंगे सिलेक्ट मेथड। तो आइए, मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है। पहले हम वो एग्जांपल को समझ लेते हैं। तो एग्जांपल समझने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने वो ये वाली एग्जांपल जो है इंप्लीमेंट करनी है। तो आइए रन करके देख लेते हैं अपना ये वाला प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास ये जो प्रोजेक्ट है रन हो चुका है, सर्च ऑपरेशन थ्रू ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स यूजिंग सिलेक्ट मेथड। तो यहाँ पे हम सर्च करके देख लेंगे, किसी भी कस्टमर का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा विशाल, उसको सर्च करते हैं। तो ये देखिए, जिनका भी नाम विशाल है तो वो वाला नाम जो है सर्च हो चुका है। अब कोई और नाम सर्च करके देख लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ मोहन, तो इसको सर्च करके देख लेते हैं मोहन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स को यूज़ करके उसका सिलेक्ट मेथड यूज़ करके सर्च ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया है। तो आइए प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और अब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके मैं दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपने क्रिएट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं SQL सर्वर 2005 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो सॉफ्टवेयर है मेरे पास है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो डेटाबेस के अंदर देखते हैं मैंने कौन सा डेटाबेस यूज़ किया है। मेरे डेटाबेस का नाम है कस्टमर डेटाबेस। तो उसके अंदर मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। टेबल का नाम है कस्टमर डिटेल। तो उसका डिज़ाइन एक बार देख लें आप। तो डिज़ाइन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके आप इस डिज़ाइन को नोट डाउन कर सकते हैं। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट। अब इसमें आपको मैं डेटा दिखा देता हूँ, कौन कौन सा डेटा ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये मेरे पास डेटा ऑलरेडी सेव किया हुआ है डेटाबेस के अंदर। तो ये आपका डेटाबेस हो गया। तो आइए अब पेज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक नया पेज ऐड करते हैं। पेज का नाम रख देते हैं सर्च डेटा। डिज़ाइन में जाकर तो यहाँ पे एक लेबल ऐड कर देते हैं। तो लेबल में मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। इसका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो बाद में हेडिंग दे देते हैं सर्च ऑपरेशन यूजिंग डेटा सोर्स यूजिंग सिलेक्ट मेथड। उसके बाद में लिखते हैं एंटर। एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं। सर्च करने के लिए बटन को ऐड कर देते हैं। बटन का नाम रख देते हैं कैप्शन, जो टेक्स्ट है इसकी। अब एक ग्रिड व्यू को इंसर्ट कर देते हैं। इसको अभी कॉन्फ़िगर नहीं करना, इसके बाद में एक यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल है हमारा आज के ट्यूटोरियल के लिए।
तो इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले सबसे पहले हम एक क्लास इंप्लीमेंट करेंगे जो ऑब्जेक्ट जो बिजनेस लेयर का काम करेगी। तो इसमें से सेलेक्ट करते हैं क्लास और क्लास का नाम रख देते हैं सच डेटा सच डेटा क्लास इसका नाम रख देते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्लास इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो क्लास के अंदर हम दो मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे, एक डेटा को रिट्रीव करने के लिए और एक डेटा को सर्च करने के लिए। तो मेरे पास ऑलरेडी कोडिंग मैंने की हुई है दोनों मेथड्स की, तो आपको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये वाली कोडिंग आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो सबसे पहले जो है वहाँ दो नेम स्पेस डालनी जरूरी है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट, उसके बाद सिस्टम डॉट डेटा सेमी कॉलन। तो आप देख सकते हैं एक मैंने गेट मेथड यूज़ किया है विदाउट पैरामीटर, ये डेटा को सिंपली रिट्रीव करने के लिए है, और एक मैंने गेट मेथड यूज़ किया है यूजिंग पैरामीटर। तो ये कस्टमर नेम के अकॉर्डिंगली लाइक क्लोज के थ्रू उसका नाम सर्च करेगा, वो नेम के अंदर कहीं भी हो सकता है वो वाला स्ट्रिंग। तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके आप ये वाली कोडिंग और ये वाली कोडिंग दोनों ही मेथड्स की कोडिंग को है नोट डाउन कर सकते हैं। कोडिंग बहुत ही सिंपल है, आपको रीड करने के साथ ही समझ आ जाएगी। जस्ट मैंने एक सीक्वल कनेक्शन क्रिएट किया है, उसके बाद में क्वेरीज पास की है और डेटा एडेप्टर के थ्रू डेटा को रिट्रीव किया है। तो इसमें डेटा मैंने रिटर्न किया है, इसमें भी मैंने डेटा एज ए डेटा सेट रिटर्न कर दिया है। तो दोनों ही फंक्शन जो है इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो आइए इनको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने से पहले रीबिल्ड करते हैं एक बार सॉल्यूशन को। तो उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस ऑब्जेक्ट है जो हमारी क्लास का नाम लिखना है, हमारी क्लास का नाम था सर्च डेटा क्लास, तो ये सिलेक्ट कर ली हमने। नेक्स्ट और पहला जो है डिफाइन डेटा मेथड, सिलेक्ट मेथड के अंदर गेट वाला मेथड यूज़ करेंगे विदाउट पैरामीटर, और इसमें वैसे हमें पैरामीटर वाला यूज़ करने की ज़रूरत भी है, ज़्यादा ज़रूरत जो है पैरामीटर वाली ही ज़रूरत है। तो इसको हम कर लेंगे गेट कस्टमर डिटेल स्ट्रिंग कस्टमर। नेक्स्ट तो यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि जो हमारा पैरामीटर है उसका जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, कंट्रोल कंट्रोल आईडी कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स वन, तो इसको फिनिश कर देंगे। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये वाला मेथड टेम्परेरी डिलीट भी कर सकते हैं, इसके बिना भी ये प्रोजेक्ट चल सकता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स है जो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब हमारे ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स वन, तो ये भी हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए हमारे प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है डेटा रिट्रीव हो चुका है। तो हम इसमें अब सर्च करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लिखूँगा गोपाल, तो सर्च के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा गोपाल वाला नाम आ जाएगा। अगर सभी सर्च करना चाहता हूँ तो जस्ट सर्च पे क्लिक करके, अगर मैं कोई और नेम सर्च करना चाहता हूँ जैसे विनय, उसको सर्च किया तो विनय वाला कस्टमर नेम है जो वो ही अकेला सर्च हुआ है। तो ऐसे फ्रेंड्स आपने देखा कि कितने इजी वे के साथ आपने जो है ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया है। तो आज आपने सीखा है कि कैसे आपने जो है ये ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स के थ्रू सर्च ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसके इस वाले सब्सक्राइब बटन जो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही हमारे ट्यूटोरियल से ASP.NET इजी वे के साथ सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।